Hi guys, my name is Tahir Farooq and my name is Savi Sohail. So welcome back to our channel Insane Jets. जल्दी से जाके हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, इस वीडियो को करें लाइक और बेल आइकन को दबाना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। So guys, आज एक हम different trailer लेके आए, शायद एक South Indian movie का trailer है, जिसका नाम है Rama Rao On Duty trailer, इसमें रवि तेजा, वेनु और सरथ मंडावा, और ये हमने लिया है SLV Cinema. Cinemas के चैनल से, जिसकी ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, so don't forget to watch the original video. Let's start. ఈ ఆపరేషన్ మా ఇంట్లో గల్లంతైంది. వేరే ప్రాంతాలకు చెందిన కష్టజీవం. మా నాన్నని వెక్కడానికి హెల్ప్ చేస్తారా? ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ గా చట్టం ప్రకారం న్యాయం కోసం డ్యూటీ చేసిన నేను ఇకపై రామారావు గారి ధర్మం కోసం డ్యూటీ చేస్తాను. బాస్ జంగు మాలిన ఫ్యాన్ మ్యాగే మాల్ తోరే వాడి గురించి మమ్మల్ని అడిగితే మేమేం చెప్తా? ఆ లిస్ట్ లో ఉన్నవాడు ఎవరు పోలీస్ కస్టడీలో లేరు. ఈ టోటల్ నెట్వర్క్ వచ్చిన లిస్ట్ మాత్రం నౌ ది ఇష్యూ ఇస్ గెటింగ్ వెరీ బిగ్. అసలు వేటం మొదలైంది. South Indian movies, you know. 29th July, Agli. सो गाइस, एक बहुत ही मतलब एक पॉलिटिकल, उसके अलावा मतलब पॉलिटिकल पॉलिटिक्स भी है इसमें, रिवेंज भी है, थ्रिलर भी है, क्राइम थ्रिलर है, मतलब सस्पेंस भी है, और मतलब इस तरह की बेसिकली साउथ इंडियन मूवीज होती हैं इसमें. मतलब आपको एक बहुत बड़ी स्केल पर फाइटिंग होती है, गुड और बैड की, तो ये तो उसमें दिखाया जाएगा. लेकिन मजे की बात इसमें क्या लगी तुम्हें सबसे ज़्यादा, तुम बताओ फिर मैं बताता हूँ. मतलब मुझे ऐसे जिसमें कोई डिफरेंस नहीं लगा, ये नॉर्मल साउथ इंडियन मूवीज़ की तरह, जिसमें एक्शन बहुत ज़्यादा है, रोमांस भी है. हाँ, एक चीज़ मैंने जो न्यू देखी इसमें वो ये कि ये जो कब्रों वाला सीन मैंने फर्स्ट टाइम देखा, जिंदा गाड़ी में लाशें भरी हुई है, वट एवर जिंदा लोग भरे हुए थे, उनको सीधा वो क्या कह रहे थे, उसको दफन कर रहे थे. एक पॉइंट पर मैंने जब देखा दो बसेस डायरेक्ट अंदर जा रही थी, ये थोड़ा सा डिफरेंट था. मतलब मैंने ये बहुत रेयर मूवीज़ में देखा वैसा कुछ, बाकी आई गेस नॉर्मल मूवीज़ की तरह. तो उसके अलावा रवि तेजा को मैंने पहले भी देखा हुआ एक दो मूवीज़ में, एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेता बंदा. मुझे तो मतलब बात ये लगी कि आप थोड़ा बहुत बड़े स्केल पे किस तरह मूवीज़ बनाते हैं, मतलब बहुत मज़ा आता है इससे मूवीज़ देखने का. इसमें हम दिखाया गया कि पॉलिटिक्स की वजह से क्या पता लोग मरे हैं, मतलब सारी बात पॉलिटिक्स की दिखाई गई, सिर्फ पॉलिटिक्स लोग मरे हैं, और मतलब क्या तो जो जो ये प्ले कर रहे हैं, जो लीड प्ले कर रहे हैं, इनका भी कुछ हुआ होगा, जाहिर सी बात है. और जिस तरह मतलब ये मूवी को दिखाया गया, ट्रेलर को दिखाया गया, किस तरह मतलब इनके लव लाइफ को जोड़ा जा रहा है साथ उसके साथ उनके जो पॉलिटिक्स के साथ, और ये भी फाइट बैक कैसे करेंगे, क्या स्टोरी है इनकी. एक बात मजे की आती है इन साउथ इंडियन मूवीज़ की कि आपको पता नहीं चलता कि फिल्म स्टार्ट कहाँ से होगी और फिल्म एंड कहाँ पे होगी. तो वाकई में आपको ये देखने के लिए ट्रेलर देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए जाना पड़ता है थिएटर में, ये बात है. लेकिन जो बॉलीवुड की मूवीज़ हैं उनमें आपको ट्रेलर में ही सब कुछ देखने को मिल जाता है. तो लेकिन साउथ इंडियन मूवीज़ में वो ट्रेलर से आप टीज होते हैं, आपको और कन्फ्यूजन पैदा होती है, और आप वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आप थिएटर्स में जाते हैं. तो ये बहुत ही क्लेवर आइडिया होता है कि वो ट्रेलर काटते बहुत मज़े का. इवन स्टिल मैं अभी जब देख रहा था, ट्रेलर एंड पे आने वाला था, बट मुझे स्टिल मूवी की समझ नहीं आ रही थी कि आखिर किडनैपिंग की क्यों, किसने की, ये रवि तेजा आखिर रोल क्या प्ले कर रहा है बीच में.
और लास्ट में आकर मुझे समझ आया कि वो पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है इधर और इनको बचाने के लिए कर रहा है और फिर बाद में अपना रिवेंज ले रहा है जाके. सो इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस. बेसिकली इसमें स्टोरी दिखाई कि बहुत बड़ा मैसेकर हो गया जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं और उनको फिर मारने को उनको छुपाने की कोशिश भी की गई है और किसी पॉलिटिकल ड्रामा मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड सब कुछ हुआ है और ये बस उसकी जड़ की तह तक कैसे पहुंचेंगे ये लीड एक्टर तो ये इस फिल्म में दिखाया है और कैसे मतलब इस पूरी स्टोरी को अनफोल्ड करेंगे तो ये इस पूरे ट्रेलर में था. रामा राव ऑन ड्यूटी. अच्छा ही अच्छा कोई कॉप लगते हैं मतलब जैसे कोई पुलिस वाला लगता है ये. हाँ कुछ ऑन ड्यूटी बिकॉज़ ही वाज प्लेइंग अ पॉजिटिव कैरेक्टर. बोज इस सीन्स में वो आया दिखाया गया था कि वो इंस्पेक्टर की ना एरिया पे स्टैंड करके बैठा हुआ था इंस्पेक्टर डेस्क पे. क्या पता हाँ क्या पता वो जासूस हो कोई मतलब माइट बी पॉसिबल और माइट भी पॉसिबल. ये जैसे अक्सर मूवीज में दिखाया जाता है कि जब ट्रांसफर होकर किसी एरिया में आता है जहाँ ऐसा बहुत चल रहा होता है. नॉर्मल साउथ इंडियन मूवीज पे ऐसा ही होता है कि एक एरिया जो कि बहुत हॉन्टेड होता है और वहाँ पे इस तरह के केसेस बहुत आ रहे होते हैं तो वहाँ पे जब किसी ड्यूटी का किसी ऑफिसर का ट्रांसफर होता है उसके बाद वो आता है और उधर के एरियाज को चेंज करता है पुलिस रूल्स जो है लॉज अप्लाई करता है उस एरिया में और फिर जारी बात है उसके दुश्मन बन जाते हैं उसकी पर्सनल लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है. उसको ठीक करते करते वो कभी अक्सर मूवीज में तो उसकी जो गर्लफ्रेंड हो वाइफ हो वट एवर जो भी हो मार दिया जाता है. अब वी डोंट नो कि इसमें क्या क्योंकि इसमें बच्चे भी दिखाए गए मे बी उन बच्चों को बचा रहा था मे बी किसी फैमिली को सेव कर रहा था या मे बी किसी ग्रुप को भी सेव कर रहा था वट एवर इट वॉज. ये तो मूवी देख के पता चल सकता है. सो गाइस ये ट्रेलर बहुत टीजिंग था जिसने हमारी कन्फ्यूजन को और बढ़ा दिया और कन्फ्यूजन का यही हाल है कि जब ये फिल्म आएगी तो उसको देखना ज़रूरी हो गया. इट्स कंपल्सरी आप सो कि हिंदी डब में भी हो जाए क्योंकि समझ तो आएगी नहीं वरना. तो आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.